उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी गुरुवार को दो दिवसीय अजमेर यात्रा के तहत दोपहर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से घुघरा हेलीपैड पहुंचे। उनके साथ वायुसेना के दो अन्य हेलीकॉप्टर्स भी घुघरा हेलीपैड पर उतरे। घुघरा हेलीपैड पर उपराष्ट्रपति अंसारी के स्वागत की अगवानी जल संसाधन मंत्री प्रोफेसर सावरलाल जाट ने की। उन्होंने बुके भेंट कर स्वागत व अभिनंदन किया। इसके बाद महापौर कमल बाकोलिया ने भी बुके देकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर भवानी सिंह देथा, पुलिस महानिरीक्षक अमृत कलश, पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह ने भी स्वागत अभिनंदन किया। हेलीपैड पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़, हरफूल सिंह यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम सीआर मीणा सहित कई अधिकारी भी मौजूद थे। घुघरा हेलीपैड से भारी सुरक्षा के बीच उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का काफिला कारकेड के साथ जयपुर रोड से होकर सर्किट हाउस पहुंचा, जहां अंसारी शाम तक विश्राम करने के बाद 6 बजे से मेयो कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने रवाना हुए। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा के मद्देनजर अजमेर की जनता को जैसे कैद कर दिया गया हो। अमूमन हर वीवीआईपी विजिट के दौरान अजमेर वासियों को ऐसे वाक्यों से दोचार होना ही पड़ता है। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति का काफिला आने से पहले बैरिकेटिंग लगाकर सड़क के एक ओर रोक दिया गया। वहीं अत्यधिक भीड़ होने के कारण जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में विद्यार्थियों को जमा कर दिया गया। वहीं वाहन चालकों और राहगीरों को लगभग 1 घंटे तक बैरिकेटिंग में भूख प्यास त्याग कर सजा भुगतनी पड़ी। बजरंगढ़ चौराहे पर अंतिम यात्रा के लिए जा रही अर्थी को भी यातायात पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में दौड़ाकर बैरिकेटिंग से कुदवाया। जैसे ही अंतिम यात्रा पास हुई, उपराष्ट्रपति का कारकेड सायरन की आवाज के साथ सर्किट हाउस की ओर आ गया। यदि कुछ देर का फासला होता तो काफिले को अर्थी गुजरने तक इंतजार करना पड़ता। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने गुरुवार को प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत की और पवित्र मजार पर चादर चढ़ाई। उन्होंने देश में अमन, चैन व खुशहाली की दुआ मांगी। उपराष्ट्रपति अंसारी दोपहर करीब 3:30 बजे दरगाह पहुंचे। उनके साथ जल संसाधन मंत्री प्रोफेसर सावरलाल जाट सहित अन्य अधिकारी भी थे। अंसारी ने आस्थाना शरीफ में माथा टेक कर दुआ मांगी। जियारत के बाद उपराष्ट्रपति अंसारी का शहबजादी के दालान में अंजुमन कमेटी की ओर से इस्तकबाल किया गया। अंजुमन कमेटी के सचिव वाहिद अंगारा और अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें आस्थाना शरीफ की प्रतिकृति एवं सपासनामा भेंट किया। इसके बाद बुलंद दरवाजे पर दरगाह कमेटी सदर असरार अहमद खान, दरगाह नाजिम अशफाक हुसैन और सहायक नाजिम डॉक्टर मोहम्मद आदिल ने उपराष्ट्रपति की दस्तारबंदी कर स्वागत किया। निजाम गेट पर दरगाह दीवान जैनुअल आबेदीन ने उपराष्ट्रपति की दस्तारबंदी की और उन्हें पुस्तक भेंट की। अंसारी को जियारत खादिम मुकद्दस मोइनी ने कराई।